हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉफ्टेड चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में, क्योंकि इसका एक कॉइन है जो लिस्ट होने जा रहा है हॉबी एक्सचेंज के ऊपर, और इससे पहले भी इसी कॉइन की लिस्टिंग बार बार होती आ रही है अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर, जिस कारण शिबा इनका जो पूरा इकोसिस्टम है बहुत ही बड़े लेवल पर जा रहा है, बड़े नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। तो अभी अगर आज हम बात करें सबसे ज़्यादा जो अच्छा कोई मीम कॉइन है तो वो शिबा इनू ही है। वैसे डॉज कॉइन अवेलेबल है, पेपे कॉइन आया था, इससे पहले फ्लॉकी है, और भी कई सारे कॉइन्स हैं। आपका कौन सा फेवरेट मीम कॉइन है एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो शिबा इनू के साथ साथ BTC की बात करेंगे कि BTC का प्राइस अभी इतना ज़्यादा नीचे क्यों चलता है और वापस ऊपर कब तक जाएगा। और एक बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया का जिसमें 91 करोड़ रुपए, जो बनते लगभग $11 मिलियन की यहाँ पे एक मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आपने इन चीज़ों से कैसे बचना ये भी आपको टिप्स दूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स हम रेगुलर बेसिस पर हमारे टेलीग्राम के ऊपर देते रहते हैं, आप सामने चेक कर सकते हैं। हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और टाइमली एक्शन भी ले पाएं। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो अभी BTC का प्राइस करीब $27,000 के आसपास चल रहा है, $27,300-$400 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस ही दिख रही है। और अगर हम सिर्फ वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम के हिसाब से ये पता चल रहा है कि जो हमने अभी देखा था कि एक लंबी रैली हमें देखने को मिली $30,000 से ऊपर तक की, वो बिटकॉइन का एक बुल ट्रैप की तरह था, यानी कि उससे ऊपर BTC का प्राइस इसी कारण नहीं पहुँच पाया। तो यहाँ से अगर BTC का प्राइस ऊपर जाता है तो हमें दो बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे, एक तो $28,000 के आसपास और उसके बाद $29,200 के आसपास। अगर ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं तो इसके बाद हमें प्राइस फिर से $31,000 या फिर उससे ऊपर मिलने वाला है। और वहाँ पे अगर बाइंग आती है, यानी कि लगातार अगर हम बाइंग आती है और ग्रीड में चला जाता है बिटकॉइन का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो इसके बाद प्राइस BTC का $38,000 तक जा सकता है। तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपने अभी घबराना नहीं है, ये अप डाउन चलता रहेगा। लेकिन आपने जो कॉइन एक्चुअल में बाय करना है, जिससे प्रॉफिट कमाना है, उसमें अपना ध्यान दीजिए। आप बिटकॉइन के ऊपर खास ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे कई सारे कॉइन्स हैं जिनके कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं और अपडेट्स के बेसिस पर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं शिबा इनू की बात कर रहा हूँ, तो शिबा इनू के इकोसिस्टम का कॉइन बोन के नाम से है, तो उसकी लिस्टिंग अभी आने जा रही है हॉबी एक्सचेंज के ऊपर, और इसी के साथ माना जा रहा है कि ये उसके बाद बाइनेंस के ऊपर भी आने वाला है। तो बोन टोकन इससे पहले OKX एक्सचेंज के ऊपर भी है, यानी कि पहले ही बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। और आज के दिन ही हॉबी एक्सचेंज ने ट्वीट किया कि न्यू लिस्टिंग होने जा रही है बोन टोकन की, और शिबा स्वैप डेक्स को भी यहाँ पे टैग किया गया है। तो पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 5-7% का इंक्रीज हम देख चुके हैं ऑलरेडी बोन कॉइन में। और बोन कॉइन मैंने आपको लगभग 2 साल से बहुत बार आपको बताया कि ये आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि जब भी शिबा इनू में कभी भी कोई बड़ी अपडेट आएगी तो आपको बोन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। और ये ऐसा कॉइन है जिसकी वैल्यू $100 या फिर उससे ज़्यादा भी थी एक समय पर। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जो बाइनेंस US है, उन्होंने मीम कॉइन फ्लॉकी इनू के नाम से जो उसको भी लिस्ट किया है। अब इसी कारण बाकी एक्सचेंजेस भी देख रही हैं कि अगर वॉल्यूम लानी है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम लानी है, तो इस तरह के कॉइन्स ही लिस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि ये शिबा इनू का बोन कॉइन लिस्ट करने जा रहे हैं। और इसी के साथ पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि बाइनेंस के ऊपर भी ये आने जा रहा है, जो कि बहुत ही जल्द होने वाला है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे कि जो बोन कॉइन है ये SATOX एक्सचेंज के ऊपर आया, और इनके जो बर्न है वो भी रेगुलर बेसिस पर चल रहे हैं, तो बर्न में भी कोई कमी नहीं आ रही है, यानी कि पूरा के पूरा जो शिबा का इकोसिस्टम है बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा है इस वक्त। यही कारण है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा कि आपने कौन सा कॉइन ऐसा रखा है जो आपका बेस्ट मीम कॉइन है। अगली अपडेट के ऊपर चले तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है इंडिया में। अगर हम पहले बात करें तो जो US का SEC है वो रेगुलर बेसिस पर कोई ना कोई एक्शन लेते रहते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अभी हमारा जो इंडिया का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, यानी कि ED है, उन्होंने फ्रोज किए 91.6 करोड़ रुपए, जो $11 मिलियन के आसपास बनते हैं। तो एक्चुअल में एक HPZ के नाम से टोकन है, एक ऐप बेस्ड टोकन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करी है। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले चाइनीज़ ऐप्स बहुत सारी थी जिसके ऊपर कुछ ना कुछ फंड्स डाले जा रहे थे और वहाँ चाइना में विड्रॉ किए जा रहे थे। और ऐसा WZERX से बाइनेंस के ऊपर भी है, यानी कि WZERX से पैसे डाल के उसको बाइनेंस के ऊपर शिफ्ट करके और वहाँ चाइना में निकाले जा रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही थी, रोटेशन करी जा रही थी, यहाँ से पैसा निकाला जा रहा था। और आज की जो बात करें तो यहाँ कितने करोड़ों रुपए का पैसा है, यानी कि 90 करोड़ से भी ज़्यादा, 91 करोड़ रुपए का पैसा जो है वो इस ऐप के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही थी, जिस कारण अभी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, पूरा पैसा फ्रीज कर दिया गया है। और इसका मतलब क्या है,
अब ये तो एक प्रोजेक्ट है HPZ के नाम से, जो कि HPZ टोकन है, जो भी है, whatever. लेकिन इसी के साथ ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. यहाँ दो तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या तो आप खुद ही उस टोकन को बाय कर रहे हैं, या फिर आपने उस पर पैसा डाला है, या फिर आपका बैंक अकाउंट किसी न किसी तरीके से अटैच्ड है, तब तो आप वैसे ही फंस जाओगे. दूसरी चीज़ ये भी है जो कि आपके साथ बिल्कुल गलत हो सकता है, वो यही चल रहा है आजकल. क्या हो रहा है कि अगर आपने P2P से पैसे लिए हैं, डॉलर्स बेच के रुपीस लिए अपने बैंक अकाउंट में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जिसका कोई अभी तक सलूशन भी नहीं निकला है, कि आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं. अगर इसके बारे में आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए विद सलूशन, तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं, या फिर जो बिल्कुल नए ज्वाइन हुए हैं क्रिप्टो में, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है. उनको वो पहले स्टार्टिंग में ही डर जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया. अभी मेरी तरफ से जो एक छोटी सी टिप है वो यही है कि अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हैं अपना P2P का पैसा, तो ट्राई करो कि उस अकाउंट में पहले कोई खास पैसा ना हो. ये ना हो कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पे पड़ा और वो पूरा पूरा फ्रीज हो जाए और आप इसको यूज़ भी ना कर पाएँ. लेकिन और कुछ जानकारी चाहिए, डीप एनालिसिस चाहिए इसके बारे में, नीचे कमेंट कर देना. एंड आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही. शिप के बारे में हमने बात करी, इसी के साथ BTC के बारे में, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है और आपने कैसे सावधान रहना है इस चीज़ से. उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अब आपके अपडेट्स पे आप तक किसी तरीके से पहुंचते रहें. स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.